मुरादाबाद के पुलिस लाइन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग गुरु रितु नारंग द्वारा सभी को योग की कलाएं कराई गईं। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पवन कुमार के साथ अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का ये कहना है कि बीमारियों से बचने के लिए सभी लोग योग की कलाएं करें और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना भरपूर योगदान दें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में योग शिविर आयोजित किए गए। शारीरिक दूरी का पालन करने के साथ सभी ने योग किया और ये संदेश देने का प्रयास किया कि हम सब मिलजुल कर कोरोना वायरस जैसी बीमारी का खात्मा करेंगे और प्रतिदिन योग अवश्य करेंगे। मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित पुलिस लाइन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन कराया गया। शिविर में जनपद मुरादाबाद के पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस कर्मियों ने योग शिविर में भाग लिया और योग की कलाएं कर ये प्रण लिया कि हम सब मिलजुल कर जागरूकता फैलाने का काम करेंगे और प्रतिदिन योग अवश्य करेंगे। योग गुरु रितु नारंग ने सभी को योग की कलाएं सिखाई और ये कहा कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में खानपान ठीक ढंग से न होने के कारण आज भी कई बीमारियों के हम शिकार हो रहे हैं। देश में इस समय कोरोना वायरस से भी लोग काफी प्रभावित हुए और काफी परेशानियां भी सबके सामने आई। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये भी कहना है कि आप दिन में एक बार एक्सरसाइज अवश्य करें जिससे आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व योग को अपना रहा है क्योंकि वह जानता है कि योग से ही फायदा होगा। योग शिविर के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पवन कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि हम सब स्वस्थ रहेंगे तो देश को मजबूत करने के लिए अपना भरपूर योगदान देंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब ने मिलकर योग किया और ये संदेश दिया कि हम सब मिलकर सेहत की ओर आगे बढ़ेंगे और समाज में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। योग और ध्यान हमारे शरीर और मन दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। जिसमें कोशिश करनी है और कांग्रेस पार्टी की ओर से और विश्व योग दिवस से हमने ये आयोजन किया है की स्थापना। ये निश्चित रूप से यहाँ बैठे हमारे जो साथी है उनके प्रेरित करेगा ये जो जीवन की क्रिया है उसको अडॉप्ट करें, एक जीने का हिस्सा बनाए इसको, जैसे बाकी दैनिक आयोजन करते हैं उस तरीके से, और ताकि जो एक स्पेशल कार्य के रूप में ना लेके हमारा उठना सोना नहाना पीना खाना उसी तरह योग एक जीवन का हिस्सा है ताकि उसे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। इसके लिए ऋतु जी ने अपना समय निकाला और अपनी सेवाएं दी, उसके लिए मैं इनका पहले से धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद। कार्यक्रम में मौजूद योग गुरु रितु नारंग का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पवन कुमार ने आभार व्यक्त किया। योग शिविर के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पवन कुमार, एसपी सिटी अमित कुमार आनंद, एसपी आरए विद्या सागर मिश्र, एसपी ट्रैफिक अशोक कुमार, एसपी अनिल यादव, सीओ कोतवाली इंद्र सिद्धार्थ, सीओ कटघर मनीष कुमार यादव के साथ अन्य पुलिस अधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जय हिंद, जय भारत। पहली बात आप सबको मुबारक हो आज के योग दिवस की। आज का योग दिवस आज पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है कोरोना के को देखते हुए, पूरा का पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरुआत करी है पुलिस से। और ये कोरोना जो है इसके लिए योगा बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं आप सबसे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी, योग को एक दिन का मत बनाइए, योग को अपने जीवन शैली में उस तरह से उतारिए जैसे आप ब्रश करते हैं, जैसे आप नहाते हैं, जैसे आप भोजन करते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं अपने शरीर के लिए वैसे ही भोजन करिए आप अपने योग का और ध्यान का अपने अंदर के सिस्टम के लिए। आज बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग अपने से प्यार करें, स्वयं से प्यार करना भूल गए इसलिए डर हमारे शरीर के अंदर बैठ गया, स्वयं से प्यार करने बैठ के भूल गए इसे डिप्रेशन हमारे शरीर के अंदर आ गया। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि योग हमें इन सब से मुक्ति भी देता है, योग हमें इन सब से फ्रीडम भी देता है। तो आइए योग करें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। और एक बात जरूर कहूँगी, मैं रोज़ कह रही हूँ योग से ही होगा, और योग से स्ट्रांग बनिए और हिंदुस्तान में दोबारा लॉकडाउन मत लाइए। जय हिंद, जय भारत।